आप थोड़ा सा सीरियस होना सीखो। और राघवेंद्रा क्लासेस पर अगर आप आ रहे हो, जिस कुर्सी पर बैठो ना वहीं पर बैठो और वहीं से सिर्फ ध्यान यहाँ पे और यहाँ से सीधा घर। अगर आप 6 महीने इसी चीज को लेकर आइसोलेट हो गए ना तो कन्फर्म है आपकी जिंदगी बदल जाओगी। एक ओझा सर है, नाम सुनेगा किसी ने, उन्होंने एक बात कही थी कि राम की पूजा क्यों होती है। 14 साल आइसोलेटेड हो गए थे वो। जिस टारगेट पर आप चल रहे हो उस टारगेट को अचीव करने के लिए सिर्फ 1 साल आइसोलेट हो जाओ। आइसोलेट का मतलब है जिस नौकरी खातिर आप लग रहे हो ना उस नौकरी के सिवा कुछ और सोचो ही ना। आदमी को परेशान 2-3 चीज करें, एक नींद, भूख। नींद और भूख को कितना ही आप घटा सको और कितना ही आप बढ़ा सको या आपकी गुलाम है। मिठाई की दुकान कटांगे रसगुल्ले दिखे जी कर गया, समोसे थे जास तो गर्मा गर्म, वो टेस्ट है ना सिर्फ आपकी जीभ का, इतना ही टेस्ट है बस, अंदर जाने के बाद कोई टेस्ट नहीं है उस चीज का। यह चीज आपने कंट्रोल करनी है। आपकी नींद कितनी कम कर सको कितनी बढ़ा सको आपके हाथ में है। अगर आप शाम के 6 बजे के बाद खाना छोड़ दो ना और थोड़ा सा भूखा रहना सीख लो हो, आपका दिमाग विकसित हुआ है इस बात से, ये एक रिसर्च है जहां तक मैंने पढ़ा है। अगर आप पेट ने भरकर रखोगे ना दिमाग ने और कोई काम नहीं, पेट ने 95 लगा रहेगा, पढ़ाई पे दिमाग नहीं लगा होगा। सच में राघवेंद्र क्लासेस पे आके मैंने 85 साल बाद 85 एकेडमी के बाद मैंने बहुत सारा अनुभव हुआ। नमस्कार सर, जगदीप सर कह रहे थे कि ना स्वास्थ्य के बारे में आज सुबह की हमारी चर्चा क्या थी कि अगर हमें बुद्धि ठीक करनी है तो क्या ठीक करना होगा, स्वास्थ्य। क्योंकि समस्या ठीक करनी है तो समस्या की जड़ में जाओ, समस्या की जड़ कहाँ है, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य ठीक होगी ना तो फिर मैंने बताया था आपको सद्बुद्धि अपने आप ही प्राप्त होगी। और बुद्धि के 3 पॉइंट्स बताए, धी, धृति और मृति। धी माने सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है, धृति माने जो धारण करने की क्षमता है, और स्मृति माने इंप्लीमेंट करने की जो पावर है। तो ये 3 ठीक होना कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति मान लो किसी गरीब घर में भी पैदा हो जाए बट उसकी धी, धृति, स्मृति अच्छी है, गरीब रह जाएगा, हाँ के ना, नहीं ना। तो बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जेब में कितना पैसा है कि नहीं इस पे ध्यान ना देके आपको अपनी धी, धृति और स्मृति को बढ़िया बनाना है। दूसरा श्वास, भाई ये तो श्वास चल रहे हैं, प्राण चल रहे हैं तभी प्राणी है, प्राण ना चले तो फिर मुर्दा है, फिर तो जल्दी करेंगे, जल्दी से इसको लेके जाओ। तो अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो सीधा सा अपना एम लक्ष्य बना के उस हिसाब से आगे बढ़ो। ये आपसे पूछ रहे थे फोकस और टारगेट में क्या अंतर होता है, बहुत बेसिक सी इन्होंने बात पूछी। जो आपका टारगेट है उसी पे फोकस करके आगे बढ़ो। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं दोनों एक दूसरे की बातों को। थोड़ा सा जो भी आपके जीवन में, और दूसरी बात अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कौन आगे बढ़ाएगा आपको, खुद से आपको अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप में से जिसको जो लगता है एक्सपीरियंस, जो अभी हो सकता है ना बोले तो अभी बैठ के आराम से कि भाई आपको राघवेंद्र क्लासेस में आके क्या डिफरेंस नजर आया। दूसरा, जो हम यहाँ पे अगर आपको मंत्र जप कराते हैं, गायत्री का जप कराते हैं, ओम का जप कराते हैं, तो इससे आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है। मुझे तो इसमें बहुत अच्छा बदलाव आप में नजर आ रहा है। बट हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो जिनको लगता हो कि नहीं हम यहाँ पढ़ने के लिए ही आते, हम गायत्री नहीं करेंगे, स्कूल नहीं है कि आते आप प्रार्थना कराओ, प्रेयर कराओ। तो उसके बारे में जो ये पूछे तो जरूर आप उसको ना बोल के बताओ। तो अभी मैं इनको कह रहा था कि जो राघवेंद्र क्लासेस का जो बीज हमने बोया था वो अब वृक्ष बन के अब खुशबू बखेरने की तरफ है, उस स्थिति में है कि अब इसकी खुशबू फैलेगी। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को पता है सबको, हमें अलग से बताने की आवश्यकता। सर अभी मेरे से यही पूछ रहे थे जो ये रिजल्ट्स आप बता रहे हैं क्या सच में आपकी क्लासेस के हैं, तो मैंने कहा जी हाँ सच में हमारी क्लासेस के हैं, है ना। तो जो ये बच्चे बैठे हैं इन्हीं के साथ में बैठे हुए स्टूडेंट्स जिन्होंने रिजल्ट्स निकाले, और आज मैं कह रहा था इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकालेंगे। टारगेट बेस्ड हम कैसे करा रहे हैं, गुरुकुल में हम क्या व्यवस्था बनाए रखे हैं, गुरुकुल लिमिटेड जानबूझ के बनाया हुआ है, कुछ हमारे पास स्थान की भी सीमा है, बहुत बड़ा स्थान नहीं है, तो उसके अनुसार ही जितनी सीमा है उतना ही हमने लेके चला है। ऐसा नहीं है कि भी ज्यादा से ज्यादा कर दें, तो जितना है उतने में हम आगे बढ़ रहे हैं। बट वो मेरी विचारधारा है कि गुरुकुल व्यवस्था पे काम होना चाहिए और बहुत तरीके से होना चाहिए। हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे। गुरुकुल के नाम पे हॉस्टल नहीं बनाना है, गुरुकुल के नाम पे गुरुकुल ही बनाना है, जहां आप गुरु के कुल में आ जाते हैं, एक ऐसा ही गुरुकुल बनाने के मेरी विचार है। और अगर परमात्मा ने चाहा, प्रकृति ने साथ दिया, गुरु कृपा रही, तो जरूर 100% ये काम होगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं सर, पूछ लो। मैं ये जो आपने मेडिटेशन वाला सिस्टम सुबह सुबह
चारों तरफ गायत्री मंत्र शिव, ये मतलब क्या सोच के आपने, नहीं तो साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा भी लग सकता है? नहीं, वो भी लगाया सर, साइन थीटा कोस थीटा भी लगाया है, वो भी जरूरी है। गायत्री का जरूरी, देखो विद्यार्थी अगर है तो आपने गायत्री का जप नहीं किया तो फिर आप बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि आपको चाहिए। और बार बार हम क्या प्रार्थना करते हैं, धियो मही, बार बार किसकी प्रार्थना करते हैं, धी बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। और आप जिस काम से संबंधित हैं तो आपके उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपको वीडियो बनानी है तो आपके पास ये दो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। विद्यार्थी अगर है तो सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट उसकी बुद्धि है। बुद्धि अच्छी बनाने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट अच्छा लेंगे, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो तो उसके लिए गायत्री का जप करें, तो ये गायत्री के जप का लॉजिक है। और रही बात की शिव है, तो शिव तो देखो आधार है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों का जो आधार है शिव, तो उसके बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये बात यहीं पे सीखे मैंने तो, नहीं तो 80 में से 90 नंबर लेने हैं, 5 नंबर वहाँ के आ जाएंगे, 5 नंबर वहाँ के आ जाएंगे, एक ग्रुप डी का पेपर करना है, यही सीख। नहीं नहीं, नंबर भी लेते हैं यहाँ के विद्यार्थी, बहुत अच्छे नंबर, ऑल इंडिया रैंक 1 एयरफोर्स में दीपक दहिया ने निकाला है। और सही मायने में जिस दिन वो रिजल्ट आया था, मैं 5 से 6 बार मेरी आंखों में आंसू आए थे। कारण इसके पीछे ये था कि मेरी अपनी पढ़ाई के दौरान और कॉलेज के दौरान, ये बाद में तैयारी के दौरान, हमेशा एक इच्छा रही थी कि मैं फर्स्ट आऊं, जो कभी पूरी नहीं हुई। बट जब तैयारी कराने के स्टेज में एज ए टीचर मैं खड़ा हुआ, तो जब सामने से स्टूडेंट ने रिजल्ट निकाला, तो उस दिन मैं बैठे बैठे अकेले में भी और सामने में भी मुझे अपने को कंट्रोल करना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और इतना भाव था कि शायद मैं फर्स्ट आया हूँ आज। उसने मेरे को इतना भीतर से हिम्मत दी और विश्वास दिया कि अब मैं खुल के काम करूंगा। ये मैथ्स अकेडमी से सेंटर स्टार्ट किया, 2 या 3 बच्चों से सेंटर किया हुआ स्टार्ट। आज सोनीपत शहर में अगर सही मायने में कोई रिजल्ट देना चाहता है तो राघवेंद्र क्लासेस से मैं प्राउड फील होकर बात कह सकता हूँ। लड़कियों के लिए, अपनी बहनों के लिए वातावरण अगर किसी सेंटर ने दिया तो राघवेंद्र क्लासेस दे रहा है। दूसरी बात रिजल्ट्स के मामले में, अभी सीपीओ का रिजल्ट आया, 6 सब इंस्पेक्टर, 11 होने थे, कुछ बच्चों का फिजिकल, कुछ मेडिकल में रह गए, 6 बच्चे सब इंस्पेक्टर, जिसमें टॉप रैंक 21 हमारे सेंटर से आया है, 21 प्रीति थरेजा, और इसी क्लासरूम से पढ़ के वो लड़की गई है। सीजीएल बहुत बेस्ट रिजल्ट, दिल्ली पुलिस बहुत बेस्ट रिजल्ट, चंडीगढ़ पुलिस ज्यादा नहीं कहूंगा, 2 स्टूडेंट ने निकाला है, बट दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छे से मेहनत करते थे, कपिल और तुषार। तो जो रिजल्ट्स दे रहे हैं वो शायद, मैं ये नहीं कहता कि भी मैं दे रहा हूं, ये एक जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये वो रिजल्ट दे रही है। जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना चाहिए, आज के युग में जो मोबाइल का दौर ज्यादा बढ़ गया है ना, इसमें स्टूडेंट्स का दिमाग, मैं कहता हूं कि हमारे से मुश्किल दौर इन बच्चों का है। हम जिस दौर में थे, हमारे को मोबाइल तंग करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट नहीं था तो मोबाइल भी इतने नहीं थे, तो हम लोगों को समस्याएं ज्यादा नहीं थी। इन बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो इनको ज्यादा जरूरत है मेडिटेशन की, इनको ज्यादा जरूरत है गायत्री की। हमारे समय में तो हम सबसे फ्री होते ही कहां जाते थे, ग्राउंड की तरफ, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लेकिन अब गेम खेल रहे हैं, जी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं। तो यहाँ बच्चे लाइब्रेरी में हर बार, या जब हम टारगेट बेस में घूमता हूँ, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिनके मैं फोन लेके आता हूँ कि भाई आप गेम खेल रहे हैं, नहीं सर अभी अभी चलाया है, अभी चलाया है। तो ये इनकी गलती नहीं है, जो इन्होंने देखा है उसी चीज का उपयोग कर रहे हैं, हमने जो देखा था हम उसका उपयोग कर रहे हैं। मैं आज जो करा पा रहा हूँ ये मेरा नहीं, जो हमारे गुरुजन, जो हमारे पहले के आचार्य हुए, उन लोगों की सीख है। परमात्मा ने ये विचार मेरे अंदर डाल दिया कि मैं ये काम करूं, तो वही काम कर रहा है। हालांकि मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, डीक्रस्ट मुल्थर यूनिवर्सिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और टीसीएस में मैं प्लेस भी हुआ था। और मेरी मिसेज जो है अभी वो गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर है, एडमिन ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में। जिस तरीके पिताजी मेरे मैथमेटिक्स लेक्चरर रहे हैं, प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, वो भी मैथमेटिक्स के टीचर थे, जो परवरिश हुई है, जिस तरह का वातावरण मैंने देखा है, एक अध्यापक क्या होता है। जब मैंने सेंटर स्टार्ट किया था तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले एक चीज सिखाई थी कि टीचर होना कोई आसान बात नहीं है, टीचर होना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। अगर आप अध्यापक के तौर पे, आचार्य के तौर पे खड़े होते हैं तो उस पे 100% खड़े होना, अदरवाइज रहने देना, क्योंकि टीचर को अपना धर्म निभाना है, स्टूडेंट को अपना धर्म निभाना है। अगर मैं अध्यापक पूरा नहीं हो सकता तो शायद मैं यहाँ खड़ा ही ना होता, मैं इससे नीचे उतर के कोई और काम कर सकता। परमात्मा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसके बल पे अपने जीवन यापन कर सकता। तो क्योंकि धन अर्जन करना, अगर आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है और बुद्धि के साथ धी धृति और स्मृति आपके साथ अच्छी है, तो हम धन अर्जन कर सकते हैं, इतना कठिन काम नहीं है। उन्हीं के लिए कठिन है जो कि अपनी बुद्धि पे काम नहीं करते। और दूसरी बात, धन अर्जन कम भी होगा तो भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये बात मैं हमेशा इनको कह सकता हूं। कहता हूं कि भाई धन कम है, अच्छा जीवन जी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर यहां से बुद्धि ठीक नहीं है तो फिर आपके पास धन ज्यादा हो कम हो, अच्छा जीवन हम नहीं जी सकते। ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। इनमें से सब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, मैं 100% कहता हूं। कभी ऐसा नहीं होता कि
100 बच्चे बैठे हैं, 100 के 100 नौकरी लग जाएंगे। जी नहीं, कोई किसी लाइन में जाएगा, कोई यहाँ से पढ़ के किसी में जाएगा, कोई किसी को सच में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सब अपनी अपनी दिशा में जाएंगे। हम कभी इस बात को नहीं बोलते कि भाई हम गारंटी दे देंगे। गारंटी हम अस्थिर जीवन में इतनी स्थिरता ढूंढते रहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत खराब बात है, है ना। स्थिर जीवन तो नहीं है ये, अस्थिर जीवन है, इसमें स्थिरता ढूंढ रहे हैं। तैयारी हमें करनी है, मेहनत हमें करनी है, अपना प्रयास पूरा करना है, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है। जैसे अगर गन्ने का रस चाहिए तो गन्ना अच्छा होना चाहिए और गन्ना ही होना चाहिए। मौसमी के रस डालेंगे तो गन्ना नहीं, गन्ने का रस नहीं आएगा। बस इनपुट ओके होना चाहिए, आउटपुट अपने आप ओके होगा। थोड़ा सा बस प्रक्रिया पकड़ो, प्रोसेस को पकड़ो, रिजल्ट निकलेंगे। और बाकी ना भी मिले तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब स्वीकार है। महल में रखेगा मौत से रहेंगे, दिक्कत नहीं है। बड़ी गाड़ी देगा मौत से बरतेंगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं, बस में ही बैठेंगे। मैं बड़ा महल होगा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मजे से रहेंगे। झोपड़ी होगी तो वहां भी रस से आनंद से रहेंगे। ये आज के समय पे इन बच्चों के लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाय लगी हुई है, मैं इतना कर लूं, ये कर लूं, ये पालूं, आना है जरूरी, लेकिन पहले समझो जीवन कितना जरूरी है। ये स्ट्रेस जो बढ़ता जा रहा है ना, आप कोटा की स्थिति देखो, कितने आप देख रहे हैं सुसाइड केस आ रहे हैं, तो ये केसेस नहीं होने चाहिए। माँ बाप बेचारे अनजाने में कई बार ज्यादा प्रेशर बना देते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। आप हमारे सामने हो तो हम आपको समझा सकते हैं कि अपने आप को खुश रखना, अपने आप को मेहनत की तरफ लगाना इतना ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य की बात तो जगदीप भाई, आज हमारी क्लास की शुरुआत इसी बात से हुई थी कि आपका स्वास्थ्य ठीक होना इतना ज्यादा जरूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी एक बार पूछ लेते हैं आपसे, जो जो इनको पूछना है। आपको कोई और सवाल पूछना तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। भाई देखो, मैंने आपको बताया भी था ये बात कि अभी तक हम कोई डिजिटल प्रमोशन नहीं कर रहे थे, आज उसकी शुरुआत हमने करी है। और जगदीप भाई को मैंने सिलेक्ट, मैं तो नहीं कहूंगा मैंने सिलेक्ट किया है, ये हमारा संजोग था कि हमने इनको बुलाया। 20 लोगों के नाम हम लोगों ने लिखे थे, मैं इनको बता भी रहा था, तो उनमें से मैंने सबसे पहले इनको सिलेक्ट किया। उसके पीछे कारण थे, मैंने नीचे उनको जो मेरे साथ बैठे थे उनको बताया भी कि अब आप समझ जाओ क्यों इनको बुलाया है। तो जैसे परमात्मा ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विचार दिया है, मैं आप लोगों के साथ, मेरी टीम के साथ मेहनत कर रहा हूं और रिजल्ट्स हम लोग अच्छे निकालते जा रहे हैं, अच्छे निकलते जा रहे हैं। आप इसी तरीके से मेहनत करके और राघवेंद्र क्लासेस में जो आप लोगों ने विश्वास जताया है ना, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये विश्वास पे हम खरे उतरेंगे, 100% 100% खरे उतरेंगे। आप जीवन में किसी भी कोने में चले जाएंगे, यहां से सीख के जो गए हैं ता उम्र काम आएगा, 100% काम आएगा। नौकरी मिलेगी ये तो मतलब जिसके भाग्य में 100% नहीं मिलेगी तो भी आप इतना सीख के जाएंगे कि जीवन को बहुत श्रेष्ठ, बहुत बेहतर जिएंगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि यहां से पढ़ के गया हुआ स्टूडेंट, जिन्होंने शांति से बैठ के अवेयरनेस के साथ जागृति में सुना है, समझा है, चीजें पढ़ी हैं, वो मार नहीं खाएगा, ये मैं 100% कह सकता हूं, सॉलिड होके बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं। तो देखो, सच बात यही है, सर ने जो बात कही है ना वो कुछ एक लोगों के समझ में आई होंगी, और जिनके समझ में आ गई ना वो डेफिनेटली अचीवमेंट वो ले लेगा। मैं आपको एक पर्सनली एक राय दूंगा, राघवेंद्रा क्लासेस जो मैंने अभी तक आध घंटे में अंदर समझा, उसके हिसाब से अगर आप 1 साल 6 महीना लगाओगे ना यहीं के होके, नौकरी सब कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक हमारा समाज, हमारा परिवार वगैरह नौकरी सब कुछ है। तो लास्ट टाइम मैं जब यूट्यूबर बना, उससे पहले मैंने पीएन का फॉर्म भरा था, अरे फिर मैं रोया भी था बहुत। तो नौकरी सब कुछ नहीं है, नौकरी से आगे भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप सिर्फ 1 साल या 6 महीने पढ़ाई कर लो यहाँ पे, यहाँ के होके भाईचारा, यारी दोस्ती कहीं काम नहीं आओगी। आप आज आप बैठे हो एक दूसरे के लिए, खासम खास दोस्त होंगे, 2 दिन बाद आपके कहीं काम नहीं आने। हो सकता है कुछ भाई बीए वाले बैठे हो, प्लस टू के फ्रेंड पूछ लो कि थे उनके, फिर 10वीं के फ्रेंड पूछ लो कि थे उनके, फिर 8वीं के दोस्त पूछ लो उनके, वे कि थे जिन तुम्हें पिल्सन दिया कर दे, कॉपी दिया कर दे और कार्ड भी दिया कर दे, उस टाइम तो कार्ड का टाइम था, आज नहीं बेरा कौन की जा लिया। यहाँ पे जो बैठे हैं 2 साल बाद उन 10 में से 1 आदमी रहूगा, 5 साल बाद वो 1 भी नहीं रहूगा। यारी दोस्ती आपके कितना काम नहीं आनी भाई। आज इमोशनली तो आप सोच लो, बेबे मैं थर से भी कहूँ हूँ, ये जो थारी साथन बैठी है ना कहीं काम नहीं आनी, हो गए तो हम तो राजी है नी, है ना। तो यह बात दोनों आते भी कहूँ हूँ, कहीं काम नहीं आने, काम आओगे का माँ और एक बापू, भाई भी काम कौन आना, उस तक ऊपर कुछ नहीं होता। आज अपने माँ बाप ने खुश रख लो, बस
जीत सोचो दोस्त गेला घूमकाना ओड़े माँ बाप ने घुमा लो नून बेरा माँ बाप की सांस कितनी है कल ने कि में हो गया नी तम जिंदगी भर नू पछताओगे बाबू तू होंदा तेरे खातर नू कर देंदे आज तम बाबू ते आई लव यू कह के गले नहीं मिल सकते माँ ते कोई पैरा का हाथ नहीं लगा सकती छोरी नहीं लगा सकती छोरे नहीं लगा सकते छोरे सुनो हाँ अब मैं यही बात बताऊंगा छोरे अपनी माँ के पैरा का हाथ लगा देंगे बाबू के गले नहीं मिल सकते मैं आपको सिंपली एक बात बताऊं आज जो यारी दोस्ती आप कर रहे हो ना वो आप मार बापू के लिए कर लो कि जहाँ घूमन का जी करे ना बापू ने घुमा लिया टीम बिठा कर जिंदगी भर बापू थारा खुश रहोगा सच्चाई है खुदा ना खास्ता खैर भगवान उनकी उम्र लंबी करे कल कि मैं उनका हो गया नहीं अरे पछतावा नहीं होगा था आखिर दम तक हो गए बस जितनी मारी सदी बापू की सेवा करी भाई जितने सांस थे उतने सांस थे अरे मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता जिसके माँ नहीं या जिसके बापू नहीं आज वो किस परिस्थिति में है आज वो चाहे डीसी भी बन जियो लेकिन वो हमेशा यूं सोचेगा बापू खातर किमें नहीं कर पाया रे तो आई होप मेरी भावनाओं को समझो भाई जिस स्टेज पे आज आप हो मान लो दो पीछे आज आप कहीं से कमा रहे हो मैं दो पीछे मार बापू पे ला दो कल ने मैं अपनी जमीन बेच कर थारे खातर हंगा लाऊंगे आज जो यारी दोस्ती गाड़ रहे हो ना कल ने थारा चौकी में तो फोन आएगा तो दोस्त मोबाइल स्विच ऑफ करेगा थम आज गलत हो तो बापू अपनी बदनामी करवा लेगा गिला नहीं छोड़ेगा थारे तो भाई मेरी तो सिर्फ आपसे यही दरखास्त है यारी दोस्ती अरे कुछ ही नहीं होती ये तो कैमरा पे मैं कुछ बोल नहीं पा रहा कुछ ही नहीं होती कहीं काम नहीं आओगी जिंदगी में बापू और माजिद काम आओगे ना उड़े सब फैल है यारी दोस्ती ठीक है पिल्स ले लिया पेन ले लिया बैच कहीं काम नहीं आनी भैया माँ और बापू सर्वोपरि है मास्टर जो आज है ये सर्वोपरि है मास्टर ने आज जो थारते सिखा दिया ना भाई वही जिंदगी में आगे चलना है एक साल के बाद थमारते जब निकलोगे ना तब राम में जानते जानते रहोगे ना यू कॉन्फर्म भर दे मैं अपना एक काम धंधा शुरू करूंगा दिमाग थारा उस स्तर का विकसित हो जाएगा सिर्फ एक साल 10 मिनट रेगुलर मेडिटेशन कर लो आपका दिमाग बवंडर बन जाएगा लेकिन हम पेट न भर ले हाँ दिमाग न को नहीं ये बात रिसर्चर है तो इसलिए बहुत सिर्फ 2-1% लोग आगे समझ पाओगी और मैं 2% लोग ही कामयाब होंगे पूरे वर्ल्ड में 2% लोगों के पास ही पैसा है जो पूरे वर्ल्ड ने खरीद सका है बाकी तो 98 तो झंडे उठाऊंगे पार्टियां के माँ बाप का पैरा का हाथ खोल लाऊंगा मंत्रियों का लाऊंगे स्टेज पर चढ़ गया और जी ठीक हो जी तो भाई किसी के झंडे उठाने की जरूरत नहीं है अपने पढ़ाई करो माँ बापू का ध्यान रखो सारा देश थारे के लगेगा जो आज माँ बापू का नहीं और किसी का कुकर उसका है तो यह बात मेरी बेबे दे भी कहूँ भाइया दे भी कहूँ पुरांगा लगा दो भाई एक साल जोटा मार दो पढ़ाई का आइसोलेट हो जाओ घर में आपके कमरे आपके बाथरूम आपकी रसोई शो करते आपके एक पढ़ाई के स्टिकर होने चाहिए भाई रसोई में पढ़ूंगा तो यह चीज मैंने दिखनी है चाहिए सवेरे उठा तो मैंने यह चीज दिखनी है चाहिए मोबाइल के पीछे कवर में भी किमें ना किमें स्टिकर किमें ना किमें डायलॉग होना चाहिए आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो सा सब्जेक्ट आपने लगा यू आंदा को नहीं उस सब्जेक्ट तक बात करने लग जो वो आओगा गारंटेड है थारे के लिए थारा कोई दुश्मन है ना तुम उसे बोलना ही पसंद नहीं करती इसीलिए थारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती किसी के प्रति पॉजिटिव सोचना शुरू करो पॉजिटिव काम होगा आज होश गया मैथ थमने नहीं आंदा मैथ तक खाली बैठ के बात करो अरे तू कहते नहीं अंदर है वो आओगा लेकिन पहले सोच रखा है कोई बात नहीं जी 5 नंबर गाना हमने करना ही नहीं हम भी तुक्के मार देंगे तो भी 2 नंबर आ जाओगे है ना इन्हें सोच रहे हाँ ज्यादा आध्यात्मिक बात होगी इसलिए मैं यू कहूँ सिर्फ पढ़ाई को लेकर आइसोलेट हो जाओ कोई भी सेलिब्रेशन करना है माँ बाबू के लिए करो दिवाली पे दशहरे पे कि घूमकाना बाबू के लिए घूमकाओ जिंदगी में एक साल माँ बाप और पढ़ाई और छोड़ दो तारी जिंदगी सुधर जाएगी बैश मेरा पर्सनल भी रिसर्च बहुत लंबा है और आज मैंने वो भाई ने भाई टकरा गया आजाड़ है चाहे तो यह है और होप सो मैं इस राघवेंद्रा की प्रमोशन में मेरे स्तर पर अलग से करूंगा हालांकि मैं आया तो प्रमोशन ही खातर था लेकिन यहाँ पे विचार मेरे मिल गए तो इस राघवेंद्रा क्लासेस को स्पेशली आपने कहीं अगर मेरी बहना ने मेरे भाई ने कहीं मेरी तो बता दियो भाई सारे हक में बात उठाऊंगा बशर्ते आप गलत ना हो और राघवेंद्रा क्लासेस की मैं स्पेशल प्रमोशन करूंगा इन्होंने तो एक दो वीडियो बनवानी थी मैं बना दूंगा लेकिन उससे अलग भी क्योंकि विचार मिले की बात है आप बहुत कुछ सीख के जाओगे और कोई भाई कोई बहन कुछ बोलना चाहेगी चलो ठीक है मेरे भाई फिर धन्यवाद जय हिंद।